बैंक्स सिर्फ अमीर लोगों को लोन देते हैं आज का टॉपिक जो मैं कवर कर रही हूँ वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एक पार्ट में स्टार्टिंग में मैं इसको लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करूँगी और फिर सेकेंड हाफ में आर की वेबसाइट पर जाकर उसको डिटेल में स्टडी किया जाएगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बैंकिंग बैंकर्स एंड एस्पायरिंग बैंकर्स एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल जनरली किससे से स्टार्ट करती हूँ तो जब मैं बैंकर थी बहुत साल पहले की बात है उस समय एक दिन मैं ब्रांच में बैठी थी एक कस्टमर आया उसने बोला मैडम पर्सनल लोन मिलेगा मैंने उसकी तरफ देखा वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का लग रहा था तो मैंने उनसे पूछा सर आपके पास हमारे बैंक में अकाउंट है वो कहता नहीं अब मैं नहीं, नहीं थी लेकिन मैंने सुना था कि बैंक्स ओपन मार्केट में भी पर्सनल लोन करते हैं तो मैंने उनसे पूछा सर इनकम प्रूफ में आप क्या दोगे उसने मेरी तरफ़ देखा गुस्से से और मुझे बोला मैडम इनकम प्रूफ होता तो बैंक में पर्सनल लोन के लिए थोड़ी आता आप कस्टमर जैसे ही चलाया उसी समय सारे सीनियर्स आ गए और बात संभाल ली आम जनता को जनरली लगता है कि बैंक सिर्फ अमीरों को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ उन्हीं को लोन देते हैं और उन्हीं को लोन दे सकते हैं जबकि ऐसा नहीं है आर ने प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स बैंक्स को दिए हैं उसके अंडर सारे बैंक्स प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर इनफैक्ट फॉरेन बैंक्स भी उन सबको अपने सारे लोन्स का एक हिस्सा रादर 40 परसेंट ऑफ दे टोटल लोन्स और एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोला जाता है दे हैव टू गिव टू सेक्टर्स विच आर कैटेगराइज एज प्रायोरिटी सेक्टर्स बाई आर ये सेक्टर्स कौन कौन से हैं सबसे पहले आता है एग्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एक्सपोर्ट क्रेडिट हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स अदर्स के अंदर वीकर सेक्शन आता है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स होते हैं शेडल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जो लोन दिए जाते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो लोन दिए जाते हैं वो सारे अदर्स या वीकर सेक्शन के अंडर कवर होते हैं ये सारे सेक्टर्स अगर आप ध्यान दें एग्री हो गया एम हो गया ये सब वो सेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और साथ के साथ ये सारे सेक्टर्स हमारी इकॉनमी के लिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हैं और सारे बैंक्स को ये टारगेट पूरा करना होता है अब मान लीजिए बैंक ने ये टारगेट नहीं पूरा किया तो क्या होगा ऐसा नहीं है कि आर को बोलेंगे सॉरी नहीं हुआ टारगेट आर कहता है कि जो आपका शॉर्टफॉल है उस शॉर्टफॉल को आपको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो नाबार्ड चढ़ा चलाता है नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या इसी तरह से थोड़े से और सिब्बी और बाकी इंस्टीट्यूशंस के इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई बताता है आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट रेट से कम रिटर्न देते हैं बैंक्स को इसलिए बैंक्स को लगता है कि चलिए टारगेट पूरा कर ही लेते या फिर देर आर माइक्रो फस इंस्टीट्यूशंस जहां पर बैंक्स जिनका पोर्टफोलियो खरीद सकते हैं अब हम थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग होता क्या है थ्रू आर वेबसाइट चलिए अब हम आर बी के वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर अगर आप होम पेज पे ही देखेंगे तो कल ही दैट इज सेकेंड ऑफ ऑगस्ट आरबीआई ने अपना प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का मास्टर डायरेक्शन को अपडेट किया है तो हम वहाँ पर सीधा जा सकते हैं देखिए ये अपडेशन सेकेंड ऑगस्ट को हुआ था और ये पीच कलम में जो इस डेट को चेंजेस हुए थोड़े माइनर चेंजेस हैं वो आपको दिख जाएंगे तो अगर हम बात करते हैं मास्टर uh, डायरेक्शन की और यहाँ से ही समझने की कोशिश करते हैं तो टू स्टार्ट विथ एट सेक्टर्स आर देयर जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था एग्री एमएसएमई एक्सपोर्ट क्रेडिट एजुकेशन हाउसिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स और इसके बाद आप इसी सर्कुलर में इसी डायरेक्शन मास्टर डायरेक्शन में देख सकते हैं कि टारगेट्स डिफाइन किए गए हैं जैसे कि अलग अलग बैंक्स के वो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं इसमें आर आर बीस दैट रीजनल रूरल बैंक्स को निकाला गया है एक्सक्लूजन दिया गया है फॉरेन बैंक्स विथ ट्वेंटी ब्रांचेज एंड अब एक कैटेगरी में डाली गई हैं फॉरेन बैंक्स विद लेस देन ट्वेंटी ब्रांचेज जो बहुत छोटे छोटे फॉरेन बैंक्स हैं उनको अलग डाला गया है रीजनल रूरल बैंक एंड एस एफ बीस दैट स्मॉल फ़िनेंस बैंक इनके टारगेट अलग दिए गए हैं जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो मैंने स्टार्टिंग uh, में अपना फोर्टी परसेंट बोला था फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फॉर एवरी वन बट इट इज फोर्टी परसेंट ऑफ ए एन बी सी या फिर सीईओ बी ई सीईओ बी स्टैंड फॉर क्रेडिट इक्वलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मतलब कि जैसे जो फॉरेन बैंक्स होते हैं ज्यादातर फॉरेन बैंक्स होंगे उनका लोन का पोर्टफोलियो बहुत छोटा होता है लेकिन उन वो बैंक गारंटीज इस तरह के प्रोडक्ट करते हैं जो प्रोडक्ट्स हमारे बैलेंस शीट में बैंक्स की बैलेंस शीट में नजर नहीं आते वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स खिलाए जाते हैं बिकॉज वो कॉन्टिंजेंट प्लाइबिलिटी है देर कॉन्टेंजेंट ऑफ समथिंग आइटम्स तो जो कई फॉरेन बैंक्स है उनकी हो सकता है कि लोन बुक बहुत सबस्टांशियल ना हो लेकिन वो ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया लेटर ऑफ क्रेडिट आ सकता है बैंक गारंटी आ सकती है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स आते हैं तो उनका फोर्टी परसेंट दोनों में से जो बड़ा होगा वो टारगेट माना जाएगा जनरली कमर्शियल बैंक्स का आपको डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स का फोर्टी परसेंट ऑफ एनबीसी ही लागू होता है इसके अलावा फॉरेन बैंक हैं लेस देन ट्वेंटी ब्रांचेस की बहुत से बैंक हैं ब्रांचेस हैं जो जैसे कोरियन बैंक हो गए कई जापनीज़ बैंक हैं चाइनीज़ बैंक हैं कुवैत का बैंक है तो उनकी बहुत कम ब्रांचेस uh, होती है हमारा कंट्री अग्रीमेंट्स होते हैं उस हिसाब से वो लोग खोलते तो उन बैंक्स का uh, जो टारगेट है फोर्टी परसेंट है

इसीलिए उनका टारगेट फोर्टी नहीं उनका टारगेट सेवेंटी फाइव परसेंट है मतलब कि वो जितना भी लोन देते हैं ए एन बी सी या फिर ई ओ बी ई इनका सेवेंटी फाइव परसेंट तक जो है दैट शुड गो टू प्रायरिटी सेक्टर आर आर बीज पे एक पर्टिकुलर चीज बोली गई है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एम एस एम ई को और रिन्यूएबल एनर्जी को ही दिया जाए उसकी जो मैक्सिमम इन uh, को दे सकते हैं परसेंट का जो फोकस है वो एग्री होना चाहिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद R, ने उनको ये रिस्ट्रिक्शन दी हुई है इसके अलावा सब टारगेट्स भी हैं जैसे रिटेल एग्री का सॉरी uh, एग्री का टारगेट इज एटीन परसेंट ऑफ ए एन बी सी और सीओ बी विच एवरेज हायर मतलब कि 40 परसेंट ओवरऑल टारगेट है उसके अंदर सब टारगेट्स भी हैं पहला है एग्रीकल्चर सेकंड जो सब uh, टारगेट है दैट इज माइक्रो इंटरप्राइजेस देखिए कैटेगरी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस उसके अंदर माइक्रो इंटरप्राइजेस वो होती हैं कंपनीज जिनका टर्नओवर एक सर्टन लेवल uh, से ऊपर नहीं है uh, उन कंपनीज को माइक्रो बोला जाता है उसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है अभी रिसेंटली उसको uh, अपडेट किया हुआ अपने मास्टर डायरेक्शन में तो माइक्रो इंटरप्राइजेस का 7.5 परसेंट ऑफ ए एन मतलब कि अगर ए आपका सौ रुपए बन रहा है 7.5 पॉइंट फाइव परसेंट हैजू गो टू माइक्रो इंटरप्राइज देन यू हैव एडवांस टू वीकर सेक्शंस ये एक और कैटेगरी है जो दिया जाता है वीकर सेक्शन में क्या आता है इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे सो so ये हमारे सब uh, कैटेगरीज हो गए सब टारगेट्स हो गए जो पूरा करना है बैंक को uh, अगर हम इसी में आगे चले ए एन बी सी को क्लियरली इस मास्टर डायरेक्शन में डिफाइन किया गया है डिटेल uh, में आ जाता है नेट बैंक क्रेडिट बैंक ने आर ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे बैंक्स ताकि बैंक इसकी गलत रिपोर्टिंग ना करे आर को उसमें से कई आइटम्स हैं जो कि माइनस होती हैं और कई आइटम्स हैं जो कि प्लस होती हैं जैसे लास्ट ईयर का जो शॉर्टफॉल है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स आर वगैरह के लिए तो वो ऐड होता है तो ये इस तरह से बैंक्स फिर एन एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट पे पहुंचता है अब uh, मैं सेक्टर वाइज थोड़ा सा एक बार नज़र दिखाना चाहूँगी आपको एग्री पहले था uh, जो ये अभी लेटर सर्कुलर है इससे uh, पहले मेरे uh, ख्याल से दो से पहले एग्रीकल्चर वॉज डिफाइंड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्री सेक्टर अब एग्रीकल्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है विच इज़ फार्म क्रेडिट दैट इज क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर्स सेकेंड कैटेगरी डाला हुआ है विच इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और थर्ड है विच इज एंसिलरी सर्विसेस तो फार्म क्रेडिट होता है जो डायरेक्टली फार्मर्स को दिया जाता है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया वेयर हाउस वगैरह ट्यूबवेल बनाने के लिए या पानी आ, को निकालने के लिए आपको कुछ और आ, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और एंसिलरी सर्विसेज में आता है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया जाता है फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स Uh, जो uh, हो गया अप टू फाइव करोड़ रुपीज या स्टार्टअप्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहता है कि ये स्टार्टअप्स जो है नई कंपनीज हैं ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज़ को केटर करने के लिए बनाई गई हैं वो सारी इस तरह की जो है एंड ऑफ़ कोर्स एग्रो प्रोसेसिंग ये सब पार्ट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज तो तीन कैटेगरीज हो गए फार्म क्रेडिट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंड सर्विसेज, इन सब का टोटल मिलाकर जो टारगेट दिया गया है is 18% ऑफ इसमें एक और सब टारगेट है एग्री के अंदर विच इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए स्मॉल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं मार्जिनल होते हैं विच है लैंड होल्डिंग ऑफ अप टू वन एकड़ और मार्जिनल फार्मर्स होते सॉरी मार्जिनल uh, छोटे होते हैं और स्मॉल बड़े होते हैं कंपैरेटिवली सो मार्जिनल इज वन हेक्टर एंड स्मॉल फार्मर्स आर वन हेक्टर टू टू हेक्टर अगर इसी में हम टारगेट्स को देखें तो ये टारगेट यहाँ पर दिया हुआ है सर्कुलर के अंदर विच इज uh, हमारा जो uh, 2022-23 -20, हम इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हैं इसमें 9.5 परसेंट का टारगेट दिया गया हुआ है मतलब कि जो 18 परसेंट जो लोन का टारगेट है एग्री का उसमें से 9.5 परसेंट मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स वो फार्मर्स जिनका लैंड होल्डिंग टू हेक्टर से ज्यादा नहीं है उनको जाना चाहिए डिफिकल्ट है बैंक्स के लिए छोटे फार्मर्स के लिए एक्सपेंसिव भी पड़ता है लैंड होल्डिंग कम है तो एक्सपेंसिव होता है लेकिन आर का टारगेट है तो बैंक्स को पूरा तो करना ही है एग्री के बाद अगला सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया वो एम एस एम ई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ेस इनके डेफिनेशन एक्चुअली एम एस एम ई एक्ट के अंदर दी गई है आर उसी को फॉलो करता है और ये मिनिस्ट्री ये फर्स्ट केड्यूल ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन के तहत जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं उनको माना जाता है एमएसएमई में से माइक्रो इंटरप्राइजेस का अगर आपको याद है मैंने अभी दिखाया भी है आपको इसका माइक्रो इंटरप्राइजेस का टारगेट वाज़ सब टारगेट वाज़ सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इसके अलावा थर्ड कैटेगरी आती है विच इज एजुकेशन सॉरी एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर मैक्सिमम जो बैंक्स बेनिफिट उठा सकते हैं वो है टू परसेंट ऑफ ई एन बी सी और सी ई ओ बी ई मतलब इससे ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिल सकता एक्सपोर्ट क्रेडिट पे बैंक्स और भी लोन देते हैं और देंगे और दे सकते हैं लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपको मैक्सिमम अप टू टू परसेंट तक का ही बेनिफिट मिलेगा लिमिट ऑफ अप टू फोर्टी करोड़ पर बोवर तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा Uh, इसके अलावा एजुकेशन की अगर हम बात करें तो लोन्स टू इंडिविजुअल पर्पसेस के लिए जो 20 लाख तक का एजुकेशन लोन लिया जाता है वो विल बी कंसिडर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर यहाँ पर uh, आपको ध्यान रखिएगा पहले तो मेंशन किया हुआ था कि 10 लाख तक के लोन कवर्ड है और uh, मतलब एक्चुअल लोन अमाउंट डिसबर्समेंट में भी हायर तो उस चीज को बीस लाख तक कर दिया लेकिन जो पुराने लोन जो पी के अंडर दिए गए थे वो अभी भी काउंट होंगे तो ये इस बार मेंशन किया है हाउसिंग लोन ऐसा नहीं है कि सारे हाउसिंग लोन बैंक्स के लिए PSL में काउंट होते हैं उसके अंदर दो चीजें बताई गई हैं एक तो बताया गया है मेट्रो लोकेशन एंड नॉन मेट्रो मेट्रो वो हुई जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख तक की है नॉन मेट्रो हुआ जहाँ पे दस लाख से नीचे की पॉपुलेशन है जो छोटे शहर हैं जो नॉन मेट्रो लोकेशन हो गया वहाँ पर डवेलिंग जो घर है उसकी कीमत तीस लाख तक का अगर आप घर खरीद रहे हैं जिसमें पच्चीस लाख तक का लोन जो बैंक आपको अगर सेंक्शन करती है तो वो पी में काउंट होता है और जो मेट्रो लोकेशंस हैं जो बड़ी शहर हो गए वहां पे आप 45 लाख तक का ड्वेलिंग खरीदते हैं 45 लाख तक का कोई घर खरीदते हो अगर आपको मेट्रोज पे मिल जाए तो उसमें 35 लाख तक का जो लोन है वो आपको पीएसएल का बेनिफिट देगा पी के अंदर वो कवर्ड होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो नेक्स्ट कैटेगरी हो गई पी के अंडर उसके अंदर जो लोन्स दिए जाते हैं जैसे कि आयुष्मान भारत जो है उसके अंदर हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड अगर आप करते हो कोई ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी से रिलेटेड कुछ बनाते हैं सेटिंग अप ऑफ स्कूल के लिए अगर आप यूज करते हो फाइव करोड़ तक का कर जो लोन है पर बोरोवर इन सब पर्पसेस के लिए जो यूज होता है वो बैंक्स उनको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हैं और बैंक्स को पीएसएल का प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का टारगेट अचीवमेंट का बेनिफिट मिलेगा रिन्यबल एनर्जी का मतलब हुआ कि विंड एनर्जी सोलर एनर्जी ये सब चीजें उसके अंदर थर्टी करोड़ तक का पर जो है जो बैंक लोन देगा अगर किसी बोरोवर को कोई कंपनी है जैसे वो सोलर एनर्जी बनाती है या फिर विंड एनर्जी बनाती है तो वो जो बोरोवर है वो थर्टी करोड़ तक का कर लोन अगर बैंक से लेता है तो बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट के अंदर वो कंट्रीब्यूशन मिलता है उसको वो हिस्सा बनता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड जैसे मैंने और आपने अपने घर में कोई सोलर एनर्जी का हम लोगों ने कोई प्लांट लगाना है तो सोलर एनर्जी का प्लांट के लिए अगर हम लोन लेते हैं बैंक से दस लाख रुपए तक का लोन लेते हैं एज इंडिविजुअल तो वो बैंक के पी टारगेट के अंदर काउंट होगा अब आते हैं अदर्स अदर्स का इस साल का काफी स्टिफ टारगेट है विच इज इलेवन परसेंट जो आ, पूरा करना है ट्वेल्व परसेंट आर ने बोला था वो धीरे धीरे करके करना है वो पहले टेन होता था तो टेन से ट्वेल्व बढ़ाया था तो ऐसे अचानक नहीं बढ़ाया था उन्होंने पर ईयर हर साल पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव करके बोला था तो ट्वेंटी थ्री में इट इज 11.5 पॉइंट फाइव परसेंट तक का टारगेट है इसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं एस होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप या माइक्रो फाइनेंस जो लोन दिए जाते हैं तो वो जनरली माइक्रो फाइनेंस हुआ जो छोटी आ, कीमत वाला जो लोन होता है जो एस एच सेल इनको दिया जाता है जो एग्री uh, के अंदर इन्वॉल्व uh, है उन सबको जो लोन दिया जाएगा वो काउंट होगा इसके अलावाड uh, है मेजरली फॉर बिग लैंड लॉज और uh, कहीं सूखा पड़ गया है या बर्स मतलब बाढ़ आ गई है उनको डिस्ट्रेस पर्सन या डिस्ट्रेस फार्मर्स बोला जाता है और वो पहले से इंडेटेड है टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स उनका एक लाख रुपए तक का लोन होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जब बैंक लोन देता है वो अदर्स uh, के अंडर काउंट होता है लोन तो 50 अप टू फिफ्टी करोड़ वो स्टार्टअप एज डिफाइंड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पी के अंडर काउंट होता है वीकर सेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर उसके अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आता है तो बैंक अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देते हैं तो वो आपके एग्री में भी काउंट होता है वीकर सेक्शन में भी काउंट होता है दोनों जगह पे टारगेट्स में काउंट होता है एटीन परसेंट ऊपर जो एग्री का बताया और इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट जो यहाँ पर वीकर सेक्शन का है डबल बेनिफिट मिलता है बैंक को आर्टिज़ंस uh, हैं विलेज में उन सब का टू वन लाख रुपीज तक का लोन फ्रॉम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बेनिफिट देती है फार्मर्स को किसी पर्टिकुलर एरिया के uh, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो फाइनेंस के लिए यूज होते हैं डिस्ट्रेस फार्मर्स मैंने आपको बताया डिस्ट्रेस पर्सन जो है इसके अलावा इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरी अपू वन लाख पर बोरोर तो मतलब अगर महिला कोई लोन ले, ले रही है किसी भी तरह का लोन है चाहे वो टू व्हीलर लोन है चाहे वो ऑटो लोन है या कोई भी लोन है जहाँ पर इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज हैं उनका वन लाख रुपीज तक का जो लोन होता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अंडर टीएसएल टारगेट फॉर द बैंक्स तभी अगर आप देखेंगे टू व्हीलर लोन्स में जनरली अगर फीमेल के नाम से लिया जा रहा है तो बैंक जनरली उसमें प्रोसेसिंग फी वेवर देते हैं उसके बहुत सी रीजन और भी हैं जनरली वुमेन बेनिफिशरीज का क्रेडिट रेटिंग इंडिया में बेटर आ, मानी जाती है टू व्हीलर लोन्स इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए बट इसके अलावा बैंक्स को पी का बेनिफिट भी मिलता है माइनॉरिटी कम्युनिटी इसका कल ही सर्कुलर सेकेंड ऑगस्ट को डिटेल में सर्कुलर आया है माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो गए सिख हो गए मुस्लिम्स हो गए इन सबको जो लोन दिया जाता है इसकी गाइडलाइंस सब कल आई हैं और सेंसिटाइज करने के लिए और इनफैक्ट इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसके सारे जो पार्टनर्स हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं एज डिफाइंड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये ये कम्युनिटीज माइनॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन सबको भी जो लोन दिया जाता है वो बैंक्स के पीएसएल टारगेट के अंदर काउंट होता है तो ये ब्रॉडली uh, आपको बताया गया है एक्चुअली पी का जो मास्टर डायरेक्शन है वो पहले आर uh, आर और रीजनल रूरल बैंक्स और uh, जो कमर्शियल बैंक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स उनका अलग अलग, अलग प्राइवेट सेक्टर पी का मास्टर डायरेक्शन आता था तो वो पढ़ना थोड़ा सा आसान था अब 2020 में सितंबर 2000 यू नो 20 में आर ने आ, ये दोनों मास्टर डायरेक्शंस को जो आर के लिए थे और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए थे उन दोनों को मर्ज कर कर एक बना दिया है तो ये इसलिए मास्टर डायरेक्शन कई बार आ, जो कोई नया है जिन्होंने पहले वाले सिंप्लीफाइड मास्टर डायरेक्शन नहीं पढ़ा तो वह एकदम ही पढ़ लगता है कि इसमें इतना कुछ इतने बट्स दिया हुआ है अब एक सजेशन है अगर आप मानेंगे तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं आपका कोई एग्जाम है या किसी और पर्पस के लिए तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ओरिजिनल जो मास्टर सर्कुलर था जो पुराना मास्टर सर्कुलर है फोर्टीन फिफ्टीन का जिसे मैंने पढ़ाई की थी जिसे मैंने प्राइवेट सेक्टर लर्निंग के बारे में पढ़ा है अगर आप चाहें तो आप पहले उसको पढ़ सकते हो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा और फिर उसके बाद अगर आप ये वाला मास्टर डायरेक्शन पढ़ेंगे तो आपको इसकी ज्यादा सेंस समझ आएगी चेंजेस समझ आएंगे इसके पार्ट्स आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे लॉन्ग सेशन टुडे, बट आई होप द लर्निंग नथिंग एल्स डेवलप्ड एन अप्रिसिएशन फॉर द काइंड ऑफ वर्क आर डज psl is very important topic in case you are sitting in any competitive exam like jib railways anything or you are preparing for jib or cib more than one question will definitely come from priority sector lending and the nitty-gritties of this particular master direction of rbi do always refer to the original source join me on day 9 tomorrow for yet Another banking or finance related topic. This is Rima Mahajan signing off. Do not forget to subscribe to my channel. Thank you.